जो कह रहे सोने इतना क्या बोले तुम्हारी तरह नहीं है तुम्हारे पास जाई हो तुम गाली दे रहे हो ना वो। महिला दरोगा से स्टोनिस साहब ने कहा कि थाने में रहना है तो उनसे एक रात सोना पड़ेगा। जब वो नहीं मानी तो उससे गाली गलौज की, जिसका ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल हुआ है। अब इसके बाद योगी की पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया जिसके बाद ये शायद ही कभी अब दोबारा ऐसा करने की सोच पाएंगे। जी हाँ, शनिवार को यूपी के हमीरपुर जिले के SP दफ्तर के स्टोनो और महिला दरोगा का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें स्टोनो महिला दरोगा को भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे। इसके साथ ही महिला दरोगा ने पर कई दूसरे गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद अब स्टेशनों के SP ने सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद ही मामले में सख्ती से जांच के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार को एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें हमीरपुर जिले के SP के स्टोनो संतोष कुमार ने मोबाइल से महिला दरोगा सविता सरोज को गालियां देने में सारी मान मर्यादा को ताक पर रख दिया। राठ कोतवाली में तैनात महिला दरोगा इतनी भद्दी भद्दी गालियां सुनकर फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। पीड़ित महिला दरोगा ने अपने शिकायत पत्र में ये कहा कि स्टोनो संतोष हमेशा उसे गाली देकर ही बात करते हैं। इसके साथ ही स्टोनो का कहना है कि अगर यहाँ रहना है तो जो मैं कहूँगा वैसा करना होगा। बड़ी बात यह है कि स्टोनो महिला दरोगा पर नाजायज संबंध बनाने का प्रेशर बनाते हैं। पिछले साल जब दिसंबर में वो राठ हवेली आई थी तो उन्होंने महिला दरोगा के साथ छेड़छाड़ी की। महिला पुलिसकर्मी ने अपने ही विभाग के अधिकारियों पर मामले पर पर्दा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि शनिवार को उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। मामले की जानकारी होते ही SP ने स्टोनो संतोष कुमार को निलंबित कर दिया। SP ने बताया कि स्टोनो को निलंबित कर जांच SSP को सौंप दी गई है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मनियादो, VK न्यूज़, दिल्ली।